जो हमारा ये आइसर है दोस्तों, ये सेल्फ स्टार्ट है, ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 22 HP का है। और इसकी सर्विसिंग की ये जो हमारा 50 से 70 घंटे में इसका मोबाइल चेंज किया जाता है, और जो हमारा फिल्टर है ये 250 में चेंज किया जाता है। और दोस्तों ये तेल भी बहुत कम खाता है। और दोस्तों मैं आपको HP दिखा दूं, देखिए दोस्तों ये रहा मॉडल RTM। और दोस्तों इसमें सेल्फ का ये सिस्टम दिए होता है, जो सेल्फ स्टार्ट करने के लिए दोस्तों ये बैटरी का कनेक्टर है, ये आपका हो गया गवर्नर, ये हो गया पंप, और आपका ये सिलेंडर मोबाइल, ये आपका 22 HP का है। इसमें प्लांट, चक्की, आप कुछ भी चला सकते हैं। ये दोस्तों ये रहा जो हमारे स्टार्ट करने के लिए होता है, जैसे आप हैंडल में लगा के स्टार्ट करते हैं तो हैंडल के लिए होता है, ये कंप्रेसर काम करता है। ये रहा हमारा फ्यूल इंजेक्टर जो नोजल है। इसके बाद जो हमारा ये हो गया, अब इसका स्टार्टिंग का स्टार्टिंग कैसे करना है, ये यहाँ पे हमारी चाबी लगती है, चाबी को स्टार्ट करते हैं। इसका देखिए, ये रहा हमारा टेम्परेचर मीटर, और ये जो हमारा आइसर कितना चल चुका, और ये स्टॉप, ये जो स्टॉप वाला सिस्टम होता है, ये हमारा जो इसे हम जब खींचते हैं तो ये जो हमारा तेल सप्लाई बंद कर देता है। और दोस्तों ये गवर्नर का काम करता है, हमारा ये गवर्नर का पूरा काम करता है ये तो। और ये रहा हमारा डायनमो बैटरी चार्ज करने के लिए, ये बेल्ट है, हैंडल से स्टार्ट होता है, हैंडल से स्टार्ट करने के लिए इसका ये हैंडल आता है अलग से, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके रहा ये हमारा रॉकर चिड़िया बॉक्स, इसकी मैं आपको सेटिंग भी बताऊंगा, कभी रिपेयरिंग का भी अगला वीडियो बनाऊंगा, और इसकी सर्विसिंग का भी बनाऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।